कानून का फंदा अतीक एंड फैमिली पर कसता जा रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को तलाश रही पुलिस ने, अब उसके ऊपर इनाम की राशि और भी बढ़ा दी। साथ ही अतीक की बहन की तलाश भी तेज कर दी। उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ा दी है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। अभी तक शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित था। उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को हुई थी, उसके बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार है। प्रयागराज पुलिस उसको तलाश रही है। आयशा नूरी प्रयागराज से लेकर मेरठ तक लगातार पुलिस को चकमा देते हुए भागती फिर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। शूटरों को फरार करवाने में आयशा नूरी की अहम भूमिका सामने आई है। पुलिस को फिलहाल आयशा की तलाश है। अतीक के बहनोई अखलाक के गिरफ्तार होने के बाद आयशा फरार है। बताया जाता है कि आयशा नूरी अतीक अहमद की बड़ी राजदार है। उसे अतीक अहमद के सारे काले कारनामों की जानकारी है। आयशा को इस बात की जानकारी थी कि उमेश पाल की हत्या कहां और कब होनी है। उसने हत्या में शामिल शूटर्स को फंडिंग भी की थी। यहां तक कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले की गई रेकी को भी मुहर उसी ने लगाई थी। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस ने शहर के एक इलाके की पहचान पर बदनुमा दाग लगा दिया है। पिछले 1.5 महीने से हो रही गतिविधियों और आए दिन पुलिस की छापेमारी के चलते यहां के लोगों ने अब पलायन शुरू कर दिया है। प्रयागराज का ये चकिया इलाका है जो उमेश पाल शूटआउट के बाद से लगातार सुर्खियों में है। अतीक का पुश्तैनी मकान और दफ्तर इसी चकिया इलाके में है। पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चलने के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बेटों के साथ इसी इलाके में रहती थी। अतीक अहमद का ससुराल भी इसी इलाके में है। अतीक अहमद के गैंग के ज्यादातर सदस्य और करीबी भी इसी इलाके में रहते हैं। 5 लाख रुपए का इनामी गुड्डू मुस्लिम भी इसी इलाके का रहने वाला है। चकिया इलाका पहले काफी गुलजार रहता था, लोगों की भीड़ से आबाद रहता था, लेकिन इन दिनों यहां सन्नाटा पसरा रहता है। इस इलाके पर दहशत का वो दाग लग चुका है कि किराए पर रहने वाले लोग अब इस इलाके को छोड़ने लगे। इस इलाके को छोड़कर अब दूसरी जगहों पर आशियाना खोजने लगे। पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से बार बार वहाँ पे हो रही है, क्योंकि अतीक अहमद पिछले 30 साल से लगातार उनका आपराधिक साम्राज्य वहीं से चल रहा था। फिर 25-30 वर्षों में अतीक अहमद पूर्व सांसद भी रहे, कई बार के विधायक रहे, उनका आपराधिक जगत में बोलबाला रहा और सरकारें भी लगभग लगभग उन्हीं की विचारधाराओं की आती रहीं। जाहिर है यहाँ रहने वाले लोगों के मन में इस बात का डर रहता है कि कहीं वो किसी मुश्किल में न फंस जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।